अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया हवाई हमला। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी समेत कम से कम 7 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में नहीं थम रहा नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला। अब तक कम से कम 104 की मौत। सीएम अशोक गहलोत बोले, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी विमानों पर आतंकी हमले की आशंका जताते हुए एडवाइजरी जारी कर अमेरिका ने अपनी विमान कंपनियों को पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा। गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की भी झांकी नहीं। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर बिहार की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। नागरिकता कानून पर मिस्ड कॉल के जरिए समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी टोल फ्री नंबर लॉन्च करेगी। नागरिकता कानून का विरोध करने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नागरिकता कानून पर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन जारी। नोबल अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और एस्टर ड्यूफ्लो ने इस कानून पर सवाल उठाए। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में लगी आग में मारे गए दमकलकर्मी अमित बालियान के परिवार को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। और दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को प्रदूषण पहुंचा खतरनाक स्तर के पार। कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 450 के करीब, मथुरा रोड पर पीएम 2.5 500 के पार।